नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। डेल्टा वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच डीजीसीए का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर 31 जुलाई तक बढ़ाया प्रतिबंध। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में ड्रोन के इस्तेमाल, बिक्री, भंडारण और परिवहन पर रोक, प्रशासन ने जारी किया आदेश। भारतीय सेना ने सीमा पर बढ़ाई तैनाती, तो चीन को लगी मिर्ची, ग्लोबल टाइम्स में लिखा, टकराने पर हो जाओगे तबाह। अब गांव-गांव में मिलेगी 24 घंटे बिजली, मोदी सरकार ने पावर रिफॉर्म के लिए मंजूर किए 3.3 लाख करोड़ का फंड। पंजाब कांग्रेस में कलह, सुखबीर बादल ने सिद्धू को बताया मिसगाइडेड मिसाइल, पलटवार में बोले सिद्धू, निशाना आपकी तरफ। वही मास्क फ्री हुआ इटली, कोरोना के बाद अपने नागरिकों को छूट देने वाला बना पहला यूरोप का देश। भीषण गर्मी के चपेट में कनाडा 49.5 तक पहुंचा पारा, 100 से अधिक लोगों की मौत। स्टॉक मार्केट में लगातार तीसरे दिन लाल निशान पर बंद हुआ बाजार, 67 अंक तक नीचे पहुंचा सेंसेक्स। वहीं यूरो 2020 में यूक्रेन ने स्वीडन को 2-1 से हराया, क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड से होगी भिड़ंत। फरहान अख्तर सारा फिल्म तूफान का हुआ ट्रेलर रिलीज, गली के गुंडे से प्रोफेशनल बॉक्सर बनने की है दमदार कहानी, 16 जुलाई 2021 को होगी अमेजॉन प्राइम पर रिलीज।